परमेश्वर मसीह की प्रतिज्ञा करते। जब परमेश्वर ने संसार को बनाई तीस हु जानत होतीस की ओको बाद में कई दिन में मसीह को भेजनो पड़े, ओने आदम और हवा से वादा करीस कि हु असो करे। ओने कहीस कि हवा से एक पीढ़ी को जन्म हुए जो सांप के मुंडी को कुचले। जो सांप ने हवा को धोखा दे होतीस हु बेशक शैतान होतीस। परमेश्वर को मतलब होतीस कि मसीह हर तरीका से शैतान को हरा दे है। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करे होतीस कि ओके जरिया से संसार की हर एक जाति न उन आशीष पाए। परमेश्वर ने बाद में कोई भी समय पे मसीह को भेजन के जरिया से या प्रतिज्ञा को पूरो करे। हु मसीह संसार के हर एक जाति में से लोग न उनको उनके पाप से छुड़ाए। परमेश्वर ने मूसा से प्रतिज्ञा करे होतीस कि भविष्य में हु मूसा के सार को एक दूसरो भविष्यवक्ता को भेजे, यो भविष्यवक्ता मसीह होए। या तरीका से परमेश्वर ने दोबारा से प्रतिज्ञा करीस कि हु मसीह को भेजे। परमेश्वर ने राजा दाऊद से प्रतिज्ञा करे होतीस कि ओकी एक पीढ़ी मसीह होए, हु राजा होए और परमेश्वर के लोग न उन पे हमेशा के गुना राज्य करे। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से बात करीस और कहीस कि एक दिन हु नई वाचा बांधे वा नई वाचा इसराइल के संग सीने पहाड़ पे बांधी गई, पुरानी वाचा के जसी नी होए। जब लोग न उनके संग हु अपनी नई वाचा को बांधे तो उनके पे खुद को व्यक्तिगत रूप से दिखाए। हर एक जन ओके से प्यार रखे और ओकी व्यवस्था को पालन करन की इच्छा करे। परमेश्वर ने कहिस कि ओकी व्यवस्था को उनके हृदय पे लिख देन के जसो होए ही ओके लोग होए और परमेश्वर उनके पाप ना उनको माफ करे। हु मसीह होए जो उनके संग वा नई वाचा को बांधे। परमेश्वर के भविष्यवक्ता नाउन ने यो भी कहिन कि मसीह एक भविष्यवक्ता होए। एक भविष्यवक्ता हु मानुष आए जो परमेश्वर के वचन को सुनते और लोग नाउन को परमेश्वर के संदेश की घोषणा करते। जे को भेजन को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करे होतीस कि हु मसीह एक सिद्ध भविष्यवक्ता होए। मतलब हु मसीह परमेश्वर के संदेश को साजरे से सुने और हु लोग न उनको हु संदेश को साजरे तरीका से सिखाए। इसराइली याजक नाउन ने लोग न उनके गुना परमेश्वर के सामूर बलिदान चढ़ानो चालू रखिन। या बलिदान लोग नाउन के पाप के गुना उनको परमेश्वर के जरिया दंडित किए जान के जागा पे चढ़ाए होतीन। याजक नाउन ने लोग नाउन के गुना प्रार्थना भी करीन, पर हु मसीह सिद्ध महायाजक होए जो परमेश्वर को देन के गुना एक सिद्ध बलि के रूप में खुद को चढ़ा दे है। मतलब हु कभी पाप नी करे और जब हु खुद को बलिदान होन के गुना दे है तो संसार को कोई भी दूसरो बलि देनो जरूरी नी होए। लोग ना उनके झुंड पे राजा और मुखिया राज करत होतीन और कभी कभी ही गलती भी करत होतीन। राजा दाऊद ने सिर्फ इसराइली नाउन पे राज करीस, पर राजा दाऊद की पीढ़ी को मसीह पूरे संसार पे राज करे और हु सदा के गुना राज करे। एके बजाय हु हमेशा न्याय के लायक रीति से राज्य करे और सही निर्णय को लेहे। परमेश्वर के भविष्यवक्ता नाउन ने मसीह के बारे में कई बात नाउन को कहीन। उदाहरण के गुना मलाकी ने कहिस कि मसीह के आन के पहले एक दूसरो भविष्यवक्ता आए। हु भविष्यवक्ता बहुत महत्वपूर्ण होए। एके अलावा यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखिस कि मसीह एक कुवारी से जन्म ले है। और मीका भविष्यवक्ता ने कहिस कि मसीह बैतलहम शहर में जन्म ले है। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहिस कि
मसीह गलील प्रदेश में रहे, जो लोग बहुत दुखी हत, मसीह उनको शांति देहे। हु गुनेगार नाउन को आजाद करे, मसीह बीमार नाउन को, और जो सुन नहीं सकत होतीन, जो देख नहीं सकत होतीन, जो बोल नहीं सकत होतीन, जो चल नहीं सकत होतीन, उनको भी चंगा करे। यशाया भविष्यवक्ता ने यो भी कहिस कि लोग मसीह से नफरत करेत और ओको स्वीकार करन से मना करेत। दूसरे भविष्यवक्ता नाउन ने कहिन कि मसीह को एक संगी ओके खिलाफ उठे। जकरिया भविष्यवक्ता ने कहिस कि ओको यो संगी ओको धोखा देन के गुना दूसरे लोग नाउन से चांदी के 30 सिक्का लेहे। एके अलावा और कुछ भविष्यवक्ता नाउन ने कहिन कि लोग मसीह को मार डाले और यो कि ही लोग ओके कपड़ा नाउन के गुना जुआ खेले। भविष्यवक्ता नाउन ने यो भी कहिन कि मसीह कसो मरे। यशाया ने भविष्यवाणी करिस कि लोग मसीह पे थूके, ओको मजाक उड़ाए और ओको पीटे, ही ओको छेदे और वो बड़ी पीड़ा और दुख में मर जाए, जबकि वो ने कोई भी गलती नहीं करिस होए। भविष्यवक्ता नाउन ने यो भी बताइन कि मसीह पाप नहीं करे, वो सिद्ध होए, पर हु एके गुना मरे कि परमेश्वर ओको दूसरे लोग नाउन के पाप के कारण दंड देहे। ओके मरण से लोग परमेश्वर के संग मेल मिलाप करण में योग्य होए। एके गुना परमेश्वर चाहते कि मसीह मरे। भविष्यवक्ता नाउन ने यो भी बताइन कि परमेश्वर मसीह को मरे में से जिंदो करे। यो बताते कि यो सप्पाई नई वाचा को बांधन के गुना परमेश्वर की योजना होती, ताकि हुन लोग ना उनको बचा सके जिनने ओके खिलाफ पाप करे होतीन। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता ना उन पे मसीह के बारे में कई सारी बात ना उनको बताईस, पर मसीह ही भविष्यवक्ता नाउन में से कोई के भी जीवन काल में नहीं आई तीस। ही भविष्यवाणी नाउन के दिए जान के 400 से ज्यादा साल के बाद में सही समय पे परमेश्वर मसीह को यो संसार में भेजे।